एनएसई, जिसे कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ये जो एनएसई है वो हमारे इंडिया में इन द ईयर 1992 में आया था, इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ये फर्स्ट एक्सचेंज है हमारी कंट्री में जो आई थी टू प्रोवाइड मॉडर्न, ये एक मॉडर्न फुली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लेके, ये पहली ऐसी थी एक्सचेंज जो पूरी की पूरी मॉडर्न वे से हमारे इंडिया में आई थी। हमारे इंडिया को इसने फुली ऑटोमेटेड किया था, वो थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले कोई भी एक्सचेंज हमारे इंडिया में नहीं आई है। एनएसई इंडेक्स। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम निफ्टी भी कहते हैं, और इसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं। बहुत इजी होता है इसको लर्न करना, निफ्टी 50, क्योंकि इसमें 50 शेयर्स का कॉम्बो होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ 50 शेयर्स और स्टॉक। इसमें 50 शेयर्स होते हैं और स्टॉक्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज समटाइम नोन एज निफ्टी 50। तो इसका इंडेक्स याद करना मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी है, निफ्टी 50 इसका क्या है? इंडेक्स। तो इसे याद करना बहुत ईजी है। इसमें निफ्टी 50, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें 50 शेयर स्टॉक होते हैं, इसलिए इसको हम निफ्टी 50 भी कह देते हैं। आगे हमारा ट्रेडिंग आवर्स कितने हैं हमारे पास एनएसई के लिए, कब कब जो है वो एनएसई हम कर सकते हैं, ठीक है? कितना टाइम पीरियड होता है एनएसई करने के लिए, कौन से कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, वो हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं जो एनएससी की, वो है 9 AM टू 3:30 PM। ये सुबह 9 बजे खुल जाता है और 3:30 दोपहर के 3:30 बजे तक ये खुला रहता है। ये ऑल वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, लेकिन ये सैटरडे और संडे बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ होता है। और ये जितनी भी हॉलीडेज एडवांस में डिक्लेयर की गई हूँ एक्सचेंज के द्वारा, उसमें भी ये है जो ऑफ रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे खुलता है, और उसमें अगर मंडे और फ्राइडे में अगर कोई भी एडवांस डिक्लेयर्ड हॉलीडे ना आए बाय एक्सचेंज, ठीक है? और ये फॉलो करता है T+2 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। ये साइकिल को फॉलो करता है एनएसई। इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो डिटरमाइन की गई थी, जैसे कि T+1 डे एंड सेटलमेंट साइकिल ऑन T+2 डे। मतलब कि इसमें सिंपल से बताते हैं, ये 2 दिन का वर्किंग डे इसमें आता है, ठीक है? तो इसमें आपको इस स्लाइड में मैंने अच्छे से समझा दिया है कि ट्रेडिंग आवर्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं। आई होप आपको ये वाले साइड भी याद करनी बहुत इजी रहने वाली है। अब आगे है मेंबरशिप ऑफ एनएससी। अब हमने अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेनी हो तो हमें उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली स्लाइड में हम ये वाला पॉइंट जो है पूरा का पूरा देखेंगे। अब जो मेंबर है एनएससी का, वो एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी। कोई भी पर्सन बन सकता है मेंबर ऑफ एनएससी, लेकिन उसको एक नीचे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने दे रखा है आपको, इसको फॉलो करना होगा। अब इसमें क्या है, अब कौन कौन मेंबर हो सकता है, कौन कौन एलिजिबल है टू बिकेम अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले इंडिविजुअल एज अ मेंबर बन सकता है, रजिस्टर्ड फर्म मेंबर हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर हो सकती है, और कोई भी कंपनी जो कि डिफाइन होगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब 13 की बात चल रही है, 1956 में आप लोग नहीं जाओगे। जो कंपनी अब डिफाइन है अंडर सेक्शन 2013, उसके अंदर जो भी कंपनी डिफाइन होगी वो भी अब एनएस की एक्सचेंज की मेंबर जो है वो बन सकती है। अब कौन कौन सा मेंबर ऐसा है जो कि पर्सन ऐसा है जो कि मेंबर नहीं बन सकता? कोई भी पर्सन जिसकी एज 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई, जिसने अपनी एज के 21 साल पूरे नहीं किए, वो कोई भी इंडिविजुअल ऐसा एनएससी का मेंबर नहीं बन सकता। कोई भी बैंकक्रप्ट पर्सन, किसी ने भी बैंकक्रप्ट किया हो, किसी ने भी बैंक लूटी हो, उस वो भी हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर है वो नहीं बन सकता। पर्सन हु हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी भी तरह का कोई उसने फ्रॉड कर रखा है, कुछ भी किया है, किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो उसने अटेम्प्ट किया है, वो एक्सचेंज का मेंबर नहीं बन सकता। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा है उन्होंने, ही हैज वर्किंग नॉट लेस देन, जो भी मेंबर बनेगा हमारी एक्सचेंज का, उसने 2 साल से कम तक काम ना किया हो एज अ पार्टनर, वो पार्टनर 2 साल तक रहा हो, किसी भी कोई भी ऑथराइज्ड असिस्टेंट हो या क्लर्क हो, और मेंबर हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, उसे हम एज अ एक्सचेंज का मेंबर
कह सकते हैं वो ही एक एक्सचेंज के मेंबर के से काम कर सकता है अगर वो ये दी हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा काम है जो वो नहीं करता नीचे दिए हुए में से, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो रजिस्टर फॉर्म है, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे वो कंपनी है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो वो हमारे एक्सचेंज का मेंबर नहीं हो सकते। अब ये हमारा कि एडमिशन प्रोसीजर है ये हमारा कि कैसे न्यू मेंबरशिप मिल सकती है हमें एनएससी एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज के अंदर अब हमें कैसे मेंबरशिप मिल सकती है, न्यू मेंबरशिप को क्या क्या करना होगा। सबसे पहले जो सबसे पहला काम है, सबसे पहले तो जो प्रोसीजर है वो इस साइड से इस साइड को जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी चीज़ में हमें कोई भी मेंबरशिप लेनी हो तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन टू MRC। अब जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है अब उसको हमने आगे फॉरवर्ड करना होता है MRC को। MRC की फुल फॉर्म होती है मेंबर रिकमेंडेशन कमेटी। हमने मेंबर रिकमेंडेशन कमेटी को फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन कमेटी से हमने MAC को फॉरवर्ड करना है, उसको देना है। उसके बाद अप्रूवल और रिजेक्शन आएगी हमारी एप्लीकेशन से, क्या वो हमारी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस। प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन होगी। सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू SEBI, अगर आपकी अप्रूवल आ गई उस, अगर तो रिजेक्शन होगी वहीं पर काम खत्म। अगर अप्रूवल आ गई तो एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस होगी। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स आगे SEBI को देने पड़ेंगे, अपने सेंड करने पड़ेंगे। ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। जितनी भी हमारे आगे फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे एक्सचेंज की, उन सबको हमने सेटिस्फाई करना है। देन हम ट्रेडिंग ऑन NEAT सिस्टम, इसके बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं NEAT सिस्टम सिस्टम में। अब NEAT सिस्टम क्या होता है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेनिंग, जो कि हमारा NSE का मेन काम है। मॉडर्न वे से हम इसको NSE को फर्स्ट मीनिंग में बताया था, जो NSE है वो एक मॉडर्न कंसेप्ट आया था हमारे इंडिया में 1992 में, एक मॉडर्न कंसेप्ट आया था। तो वही बता रहे हैं ट्रेडिंग ऑन NEAT, जितनी भी नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेनिंग, जितनी भी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग है वो हम स्टार्ट कर सके आफ्टर ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। ये था हमारा सारा का सारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको कभी भी छोड़ के मत जाना और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे से आगे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।